देखिए एक बड़ी खबर, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऐलान किया है कि वो नई पार्टी बनाएंगे। कैप्टन अमरिंदर जल्द अपनी पार्टी का ऐलान करेंगे, पंजाब के हित के लिए पार्टी बनाऊंगा, ऐसा उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि तब तक शांत नहीं बैठूंगा जब तक पंजाब के भविष्य को सही तरीके से सुनिश्चित ना कर लूं। पंजाब के लिए मैं तब तक काम करता रहूंगा जब तक पंजाब का मैं विकास ना देख लूं। पंजाब के भविष्य के लिए लड़ाई जारी रखूंगा। किसानों का मुद्दा सुलझा तो बीजेपी से गठबंधन भी कर सकता हूं, ये भी उन्होंने कहा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलते हैं सीधे मोहित मल्होत्रा के पास, हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर रहे हैं चंडीगढ़ से। मोहित, कैप्टन अमरिंदर सिंह नई पार्टी बना सकते हैं इसका तो कयास लगाया जा रहा था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ऐलान किया यानी बीजेपी के साथ भी गठबंधन संभव है। देखिए पिछले कई दिनों से लगातार ये कयास लग रहे थे, लेकिन आज खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट करके तमाम कयासों पर विराम लगा दिया और जो लगातार खबरें फैल रही थी कि वो अपनी अलग राजनीतिक पार्टी बनाएंगे उस पर भी उन्होंने हामी भर दी है कि वो अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि उन्होंने सीधे तौर पे बीजेपी को एक तरह से खुला ऑफर दे दिया है कि अगर केंद्रीय कृषि कानूनों का कोई भी समाधान निकाल सकते हैं तो निकाला जाए किसानों के हित में, और वो बीजेपी के साथ गठबंधन करने को भी तैयार हैं। इसके अलावा अकाली दल का एक धड़ा है जो कि अकाली दल से अलग हो चुका है, उसमें कई पूर्व सांसद हैं, कई और अन्य नेता हैं, उनको भी ऑफर दिया है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कि वो उनकी नई पार्टी के साथ चाहें तो गठबंधन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक अलग मोर्चा बनाने की कोशिश की जा रही है पंजाब में, और बीजेपी के पाले में अब गेंद है। अगर केंद्रीय कृषि कानूनों का हल निकलता है तो कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी जो नई पार्टी बना रहे हैं उसका गठबंधन वो बीजेपी के साथ करने को तैयार है। ठीक है, शुक्रिया मोहित आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह नई पार्टी न केवल नई पार्टी बनाने का ऐलान कर रहे हैं बल्कि कह रहे हैं कि वो बीजेपी से भी गठबंधन कर सकते हैं अगर किसानों का मुद्दा सुलझा तो, और ये एक नई तरह की राजनीति हो सकती है पंजाब में चुनाव से पहले। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।